गुजरात में दूसरे चरणों के मतदान होने हैं, लेकिन आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। इस वक्त आपको दिखाते हैं हम बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साउथ गांधीनगर की सीट से आपके पास ये दृश्य दिखा रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पेश ठाकुर के लिए यहाँ पर कैंपेन है वो जोरों शोरों से इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर तक अपनी पूरी ताकत जो है कैंपेनिंग में लगा दी है। रोड शो यहाँ पर इस वक्त अल्पेश ठाकुर जी का होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरे पीछे आप देखिए, इतनी लंबी कतार तक यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई हैं और मोटरसाइकिल पर गाड़ियों पर भाजपा के झंडे लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बात करेंगे अल्पेश ठाकुर जी से। अल्पेश जी, आप लोग एंड तक इतना जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, पर सीट जो ये है साउथ गांधीनगर की, लोग कह रहे हैं आप आराम से जीत जाएंगे। देखिए, ये भाजपा का गढ़ रहा है और जो भाजपा की गवर्नमेंट ने जो काम किया है, यहाँ पे अमित शाह साहब भी एमएलए रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी साहब का, इनकी माता जी यहाँ रहती है और इनका पूरा डेवलप इलाका है। भाजपा ने इतना सारा काम किया है तो अब कोई मुद्दे तो है नहीं। कांग्रेस वालों को पूछिए कि मुद्दे है उनके पास कुछ, वो जातिवाद की बात करेंगे, वो अफवाह फैलाने की बात, लोगों को भ्रमित करने की बात करेंगे, पर जो मेन मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के जो मेन मुद्दे हैं प्रोटेक्शन के, वो मुद्दे इधर है ही और इधर डेवलपमेंट भी इतना है, प्रोटेक्शन भी इतना है, तो लोगों को और क्या चाहिए। ये सीट हमने सुना है कि अमित शाह जी ने खुद कहा आपसे कि आप इसी सीट से लड़ेंगे, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, अब वो तो ये मेरा होम ग्राउंड है, मैं यहाँ का हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो जहाँ मैं लड़ने गया था बोला बहुत दूर राजनीति कर ली, अब घर पे राजनीति कर। दूर नहीं, घर पे राजनीति करनी चाहिए। नहीं, घर पे ले आए, अब उनका प्यार है मोदी साहब और अमित शाह साहब का, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। ये बताइए कि आपका कांग्रेस में जो कार्य था उससे मद्देनजर रखते हुए भाजपा में आप आए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस आपके लिए चैलेंज है कि नहीं? कांग्रेस ना मेरे लिए चैलेंज है, ना गुजरात में किसी के लिए चैलेंज है। कांग्रेस हमेशा पार्टी की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस का खुद का कोई फाउंडेशन बचा नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी बची है। वो हाँ, वो बात करते रहेंगे आप ये करते वो करते हैं, पर देखिए वो 25 साल पहले का गुजरात गुजरातियों ने देखा है, वो बेहाल गुजरात जिसकी सड़कें कैसी थी, जिसकी शिक्षा और एजुकेशन व्यवस्था कैसी थी और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्या था, वो जंगल राज चल रहा था, आए दिन दंगे होते थे और अलग अलग जगह पे भाई राज चल रहा था, तो वो गुजरात लोगों ने देखा है। और भाजपा का गुजरात, जो भाजपा की गवर्नमेंट मोदी साहब के आने के बाद का गुजरात, वो खुशहाल गुजरात, वो डेवलप गुजरात, वो आज वो दो कंपैरिजन करते हैं तो कोई कांग्रेस के बारे में सोचता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट मानी जाती है साउथ गांधीनगर, यहाँ पर जो माहौल है आप देख रहे हैं पूरा भगवा दिखाई दे रहा है, लेकिन सौराष्ट्र में अभी भी आप कहेंगे कि कांग्रेस का वोट कायम है या वहाँ भी बीजेपी अपना कर चुकी है सौराष्ट्र को? आपको बताऊं, अब की बार भगवा इतना मजबूती से लहराएगा हर असेंबली के अंदर, कोई कुछ भी बोल दे, 150 से ज्यादा सीटें भाजपा की आ रही है और उसकी वजह भी है, जो गुजरात का विकास, किसान खुशहाल है, उनके खेतों तक पानी पहुंच रहा है, जहाँ पे आप रोड रास्ते देखिए, इनकी सड़कें देखिए, सड़कें बहुत अच्छी बन गई, एजुकेशन व्यवस्था देखिए, हेल्थ की व्यवस्था देखिए, जहाँ 5 लाख आयुष्मान भारत के दे रहे थे वो 10 लाख दे रहे हैं और यहाँ पे ना कोई जंगल राज है ना दंगे हैं, तो और लोगों को क्या चाहिए, खुशहाल गुजरात जहाँ की कोई समस्या ही नहीं बची, तो लोग वो बदहाल गुजरात कांग्रेस ने बनाया था वो जंगल राज वाला, उसमें नहीं जाना चाहते। यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पाटीदार कैंडिडेट हैं, क्या आपको लगता है वो उनकी भूल हुई, ज्यादातर यहाँ पे ठाकुर समाज के वोटर हैं? यहाँ पे राष्ट्रवादी लोग हैं। अच्छा। यहाँ ना जात में पढ़ते ना पात में पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अच्छा। और मैंने वही तो बोला, कांग्रेस हमेशा जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को बांटने की राजनीति करती है। उनको पूछिए उनके मुद्दे क्या है, ना ही कोई मुद्दे है उनके पास, और जहाँ उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो लोग उनको क्यों चुने, क्यों उनको एक्सेप्ट करें,
तो कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ ना जातिवाद चलता है, ना प्रांतवाद चलता है, या राष्ट्रवाद चलता है, या डेवलपमेंट का वाद चलता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रवाद हैं, यहाँ पर वो भी आ गए हैं गुजरात में मैदान में। अब केजरीवाल की रेवड़ी गुजराती तो नहीं लेंगे, और केजरीवाल जी जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो वो कैसे राष्ट्रवाद हो गया जहाँ पे आप फ्री की मुफ्त बांटने की बात करते हैं, जिसका बजट 7-8 लाख करोड़ का हो जाता है। तो 7-8 लाख करोड़ का बजट, और गुजरात का बजट तो 2-2.5 लाख करोड़ का है, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? अब गुजराती आम आदमी को भूल गया, पिछले इलेक्शन में उनकी सब सीटों में जमानत जब्त हुई थी। आज मैं जब बोलता हूँ कि 150 से ज्यादा सीटें भाजपा की आएगी, तो 150 से ज्यादा सीटों में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो दारू की पेटियां मिली हैं, कांग्रेस कह रही है बीजेपी दारू बांट रही है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उनका भतीजा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका भतीजा उसके घर से मिला दारू, जो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा। उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा। वो हमेशा यही करते हैं, कांड वो करते हैं और नाम भाजपा का लेते हैं, डेवलपमेंट हम करते हैं और बोलते हैं हमारे कारनामे बोलते हैं, और उनके कारनामे बोलते हैं उनका भतीजा है और उनके भतीजे के घर से ये शराब जब्त हुई है, तो वो अब हार देख गए हैं, तो अब वो ललचाने का प्रयास करेंगे। शराब ये युवाओं को क्या देना चाहते हैं? युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं क्या? ये कांग्रेस वाले कभी नहीं सुधरेंगे, और कांग्रेस वाले नहीं सुधरेंगे तो गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि इनको इतना ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा लड़ने की हिम्मत ना करें। अल्पेश भाई, जब हम नड्डा जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए वही तो, आज गुजरात का इलेक्शन गुजराती लड़ रहे हैं, और जो भाजपा ने बनाया है वो कुशाल गुजरात, उस पे लड़ा जा रहा है, तो वही मेन मुद्दा है। और मुद्दा यही है कि आज हमारी सड़कें अच्छी हुई, मुद्दा यही है कि आज किसान को खेत तक पानी पहुंच रहा है, मुद्दा वही है कि आज सारे गुजरात में पीने की समस्या पानी की नहीं है, मुद्दा यही है कि आज की शिक्षा व्यवस्था आधुनिक हुई है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ गिफ्ट सिटी, इन्फो सिटी, रक्षा शक्ति, और दूसरा मुद्दा यही है कि यहाँ पे हेल्थ के लिए सरकार 10-10 लाख रुपए दे रही है। गवर्नमेंट क्या करे, प्रोटेक्शन देती है और डेवलपमेंट करती है, बहुत हो गया। मैं आपकी रैली देख रही हूँ, लगातार आप सुबह से लगे हुए हैं, आगे लोग, पीछे लोग, गाड़ी में चढ़ के आप खड़े हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ से लगता है कि आप आराम से सीट निकाल लेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ढीले बिल्कुल नहीं पड़ रहे। ढीले कैसे पड़े? जहाँ जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा हो, प्रचंड आशीर्वाद मिलता हो, तो ढीले क्यों पड़े? जब जनता समर्थन कर रही है तो बेटे जाओ हमारी सेवा करो, और असेंबली के अंदर जाके हमारी सब खुशियों के लिए कोई डेवलपमेंट नया नया ले आओ। मैंने यहाँ, मैं एक संकल्प के साथ आया हूँ, मैंने बोला यहाँ पे गांव, जो मेरा आधार गांव का इलाका है, तो रूरल इलाका है, उस गांव को इतना डिजिटल कर दूंगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे बाग बगीचे होंगे, स्पोर्ट सेंटर होंगे, जहाँ पे प्री भर्ती तालीम सेंटर होंगे, और वहाँ के जो तालाब है उसको इतना डेवलप करूंगा, यानी एक गांव को एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड गांव बना लूंगा। मैं भाजपा ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया। और ये थे अल्पेश ठाकुर। अब ठाकुर वोट इनको मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है, लेकिन फिर भी लगातार कैंपेन करते हुए, लंबा रोड शो करते हुए, मैं कैमरा पर्सन रविकांत से भी कहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से लोग यहाँ पर जो समर्थक हैं यहाँ पर, वो भी उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। और अल्पेश ठाकुर को खुद अमित शाह जी ने कहा था कि इसी सीट से लड़ना है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट ठाकुर समुदाय का है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पाटीदार कैंडिडेट उतारे हैं। कितना फायदा पहुंचेगा, और दोबारा साउथ गांधीनगर जैसी प्रेस्टीजियस सीट पर अल्पेश ठाकुर विजयी हो पाएंगे या नहीं, ये तो मतदान के दूसरे चरणों के बाद पता चलेगा। लेकिन आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी कैंपेन करती इस वक्त दिखाई दे रही है। साउथ गांधीनगर से रविकांत तोतावार, कैमरा पर्सन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।